नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए आज के बड़े बदलाव जानते हैं। राजस्थान में 1 सितंबर से कई नियमों में बदलाव हो गए हैं और ये ऐसे नियम है जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल रहे हैं। टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी हो गई है, वहीं रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती देखने को मिली है। जनरल इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम में भी बड़ा बदलाव हुआ। वहीं आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और नई गाड़ी खरीदते हैं तो उन नियमों में भी बड़ा बदलाव हो गया है। यहां आपको इन सभी नियमों की जानकारी मिल जाएगी जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पर नए आए तो राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप राजस्थान के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा बदलाव जानते हैं। रसोई गैस की कीमतों में कटौती देखने को मिली है। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनी रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती है। इस बार कंपनियों ने ग्राहकों को राहत दी है। रसोई गैस की कीमतों में 100 रुपए की कटौती की गई है। ये कटौती कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की गई है। चलिए अगला बड़ा बदलाव जानते हैं। यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में टोल टैक्स में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। ये बड़ा हुआ टोल टैक्स 1 सितंबर से लागू हो गया है। छोटे वाहन पर प्रति किलोमीटर 10 पैसे ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। वहीं बड़े कमर्शियल गाड़ियों पर प्रति किलोमीटर 52 पैसे ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। ये सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के KYC अपडेट की डेट लाइन अब खत्म हो गई है। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को लंबे समय से KYC अपडेट करने को कह रहा था। KYC अपडेट कराने की डेट लाइन भी खत्म हो गई है। इस काम को पूरा करने के लिए बैंक ने आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 तय की गई थी। बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपने KYC अपडेट नहीं किया है तो आपके अपने खाते में पैसों का लेन देन करने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो तुरंत अपनी ब्रांच से संपर्क करें। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। राजस्थान में 10 से 24 सितंबर तक अग्निवीरों की भर्ती होने वाली है। अलवर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सेना भर्ती को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सेना भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को दस्तावेज साथ लाने होंगे और इन्हीं दस्तावेजों को भर्ती स्थल के प्रवेश द्वार पर दिखाना होगा। इनके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। राजस्थान में बीती रात कोटा उदयपुर संभाग के झालावाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में 1 से 2 इंच तक बरसात देखने को मिली है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज डूंगरपुर बांसवाड़ा कोटा बारा झालावाड़ भिलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद चिरोही उदयपुर चूरू सीकर झुंझुनू जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अंचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का पहला चरण ग्राम पंचायत स्तर पर संपन्न होने के बाद अब ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर 12 से 15 सितंबर तक ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, हर जिले के ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से ग्रामीण ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की ताजा अपडेट। ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।